Hi! Hi! अरे उठा रे छोटो लाली काम के ना काज के 10 बजे तक सोते पड़े रहता। क्या लाली सुकून से सो रहा सोल देखे भी नहीं जाता। बुरी घट के ये देख तेरे सर क्या कर रहे। गुड मॉर्निंग छोटू। यार फिर वो सामने आ गया। अबे छोटू के बच्चे 10 बज गया 10 बजे तक सोते पड़े रहते क्या? अरे नहीं वो सर मैं मेरे टाइम पे बराबर उठता। तुम जल्दी आ जाते ना तुम्हारी गलती है ना। शट अप चलो फटाफट फ्रेश हो जाओ तुम्हारी क्लास लेना है मुझे। ओह नो हाँ सब स्टूडेंट्स आ गए ना। गुड मॉर्निंग सर। अनु कहाँ है? प्रेजेंट सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। शट अप ज्यादा रोमांटिक मत बनो। टीचर हूँ ना मैं तुम्हारा। शट अप वो जो मैंने तुमको कल होमवर्क दिया था वो याद किया? हाँ सर मैंने कल याद किया था पर सुबह होते होते भूल गए। हाँ छोटू अब तू मेरे सवाल का जवाब दे। ए प्लस टू बी माइनस 5 4 -3 इज इक्वल टू कितना? सवाल पूछ रहे थे कहाँ चले गए यार? हाँ सर कहाँ है तू? ओ टीचर से होशियारी अभी बताता। हेलो। अरे वो छोटू का जो है ना तो नेटवर्क चले गया जरा उसको नेटवर्क पकड़ा दो तो। ओके तो छोड़ पढ़ाई बाद में कर लूंगा अभी गेम खेल ले जा। क्या रे बेटा नेटवर्क छोड़ पकड़ कर रहा क्या तेरा? अरे आना लाली छोड़ पकड़ कर रहा नेटवर्क। हाँ दम जरा मैं पकड़ा दू तेको नेटवर्क ले पकड़ नेटवर्क। अरे ये क्या है के मुँह के कल ही मैंने तेरे को 500 रूपए रिचार्ज मारने दी और ऐसा कैसा नेट नहीं चल रहा रे। बुरी गत के तेरी नस नस से वाकिफ है मैं। हाँ सर ने कहा सवाल पूछा होगा और तूने खट से नेट बंद कर दिया होगा। चल सर को ऑनलाइन कनेक्ट कर पढ़ाई कर न तो ऐसा मारूंगी ना तेरे मुँह पे झरना। हाँ छप्पर टिकली बन जाएगा जनाजे। बहुत डेंजर सर यार नानी के पास बवाल कर दिए। तो ये नेट क्यों नहीं चला? अरे दीदी पर टाटा खत्म हो गया यार। ये सर भी इतना डेंजर है अगर मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करा ना तो सर बहुत बातें सुनाएंगे यार। अब क्या करूँ क्या करूँ। ए बा तेरा नेट चल रहा ना तेरा हॉटस्पॉट कनेक्ट कर देना बा मेरा नेट नहीं चल रहा। अबे मेरा खुद नेट नहीं चल रहा 50 रूपए का रिचार्ज मारा 200 MB मिली यूट्यूब वीडियो देखने भी खत्म हो गई। ओह नो इसके वास्ते वाईफाई कनेक्ट करते फिर रहा मैं इधर उधर। अबे जंजीर फकीर ने फकीर से भीख मांगा दोनों भी अबे जंजीर। ए छोड़ो रुक रुक मैं क्या बोल रहा वो अनु ने ना कल ही 500 रूपए का रिचार्ज मारी उसका हॉटस्पॉट कनेक्ट करते अपुन। क्या बात कर रहा सही में? अबे तो फिर चल यार। हाय अनु। हाय आज कितनी क्यूट लग रही है ना। क्या झूठे अनु तेरा नेट तो बहुत फास्ट चलता होगा ना। हाँ फिर कल ही मेरे पापा ने 500 का रिचार्ज मार के दिए मुझे। एबा तेरे नेट से हमारा हॉटस्पॉट कनेक्ट कर देना हमारा नेट नहीं चल रहा। जाओ तुम हमेशा मेरी झूठी तारीफ करते हो और मेरा नेट यूज करते हो। oh, no. आज तो मैं तुम्हें मेरी नेट यूज करने नहीं दूंगी। आ जाते फ्री उधर क्या देख रहे हो मुझे देखो मैं क्या बोल रही हूँ। कौन हो
पहचानती थी उसको? हाँ, वो मेरी फ्रेंड है और तुम्हें पता है उसके पापा ने ना उसके घर में वाईफाई लगाया है। क्या बात कर रहे, सच्चे? हाँ, उसके घर में कभी नेट का प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तेरे घर आने का बहाना मिल गया, फुकट के नेट का सहारा मिल गया, अब चल यार। Let's go! चल हट। क्या रे वो वासा? Oh no! Oh, भिकारी। तुम तो छोटू हो ना? पहचानते तुम मेरे को? हाँ, बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। क्या बात कर रहे, कभी देखा नहीं मैंने तुमको। तुम सिटी स्कूल में पढ़ते हो ना? मैं भी उसी स्कूल में पढ़ती हूँ। वो मैं क्लास में ज्यादा अब्सेंट रहता ना, से मुलाकात नहीं हुई अपनी। तुम तो अभी अंदर थे ना? अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, तो अभी यहाँ किस लिए आए हो? वैसा है माँ, नेट खत्म हो गया हमारा, तुम्हारे वैसा है ना? ओ, वाईफाई के भिखारी। हाँ, पासवर्ड डाल दे। लाओ। अरे अरे छोटू, तुझे क्या हुआ? साली वाला पहले कर रहा, तू पहले पासवर्ड डाल दे रही है। अरे तू टेंशन मत ले, तेरे मोबाइल में भी डाल देती हूँ ना। ये लो डाल दे। लाओ। चल हट। लो छोटू, हो गया तुम्हारा। मेरे को भी। तो हम यहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते ना? बिंदास छोटू, एनी टाइम। अभी आया तुम लड़वे। ओके। ऑनलाइन पढ़ा चलने वालों, अपनी एमपी कार्ड बंद करो, फुकट का वाईफाई कनेक्ट करो। आओ मेरे साथ। अरे वो तुमने मेरे को वाईफाई का पासवर्ड डाल के दिया ना, ये बेचारे गरीब लोग, इनके मोबाइल में भी नेट का रिचार्ज नहीं है, तो इनको भी पासवर्ड डाल के दो ना, हम तो अब यहाँ बैठ के पढ़ाई करेंगे। छोटू, मैंने तेरे मोबाइल में पासवर्ड डाल के दिया तो तू इन सबको लेके आ गया? क्या खैराती वाईफाई समझा है क्या हमारा? पिंकी, जाने देना, ये लोग पढ़ाई करना चाहते है। अच्छा ठीक है, तू बोल रही है तो मैं इन सबको अपना पासवर्ड बता देती हूँ। हाँ, ये लोग तो यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। चलो मैं भी यही बैठ के पढ़ाई कर लेती हूँ। अरे अनु, तू यहाँ पढ़ाई करिए, चल मैं भी यही बैठ जाती हूँ। यार कब आएगी ये सर? अरे अरे अरे, गुड मॉर्निंग। हाँ तो सब बच्चे आ गए ना? हाय सर। ये तो सब एक जैसी जगह दिख रही। कुछ तो गड़बड़ है। खैर चलो पढ़ाई करते। हाँ तो बंटी, तुम सूरज के ऊपर ऐसे सुनाओ। सर मेरे को नहीं आता। डफर स्टूडेंट्स। हाँ नू, तुम ताजमहल कब बना बताओ? अरे सर, उस टाइम पे तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, आप ऐसा कैसे सवाल पूछ रहे हो? सर डफरी मेरी क्लास में भरे हुए है क्या? सर हम सब में सबसे ज्यादा टैलेंटेड छोटू ही है। अच्छा, बाप रे, कब अटका रे बुरी गत को ले। चलो छोटू, तुम ताजमहल के ऊपर ऐसे सुनाओ। अरे सर, मुझको ताजमहल के बारे में कुछ नहीं आता। नहीं सुनाओगे तो तुम ही। सब बच्चों ने कहा है कि छोटू ही बहुत टैलेंटेड है। अरे सर, मैं कुछ नहीं, पायल के बारे में आता। नहीं नहीं, तुम ताजमहल के बारे में ही बताओगे। हाँ ठीक है सर, बोलता मैं।
ताजमहल एक बहुत पुरानी इमारत है। पुरानी होने की वजह से उसके आजू बाजू घास उग गई है और वो घास को खाने एक बैल आता है। बैल की चार टांग होती है। Oh, no. बैल के दो कान होते हैं। बैल की दो आँख होती है। बैल को एक दूम होती है और बैल दूध भी देता है। Shut up! कौन सा ऐसे सुना रहा बे? इसमें तो सिर्फ बैल है, ताजमहल का है। चलो आप सूरज पे सुनाओ। ठीक है सुनाता हूँ। सूरज की रोशनी जमीन पर बहुत तेज पड़ती है जिसकी वजह से पूरी घास जल जाती है और जब वो घास को खाने के लिए बैल आता है, बैल को चार टांग होती है, बैल को दो कान होते हैं, बैल को दो सींग होती है, बैल को दो आँख होती है, बैल को एक दूम होती है और बैल दूध भी देता है। अरे इसमें से फिर सूरज गायब कर दिया, सिर्फ बैल ही दिख रहा। चलो पहाड़ के ऊपर सुनाओ। हाँ ठीक है सुनाते हैं सर। मेरा मामू का बहुत बड़ा पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर मेरे मामू की खेती है। मेरे मामू की ना खेती में हल चलाने के अस्त दो बैल है और बैल के चार टांग होती है, बैल की दो आँख होती है, बैल की दो सींग होती है, बैल के दो कान होते हैं, बैल की एक दूम होती है और बैल दूध भी देता है। मिस क्लास की छुट्टी। लगता है सर ने छुट्टी दे दी है। अबे आना आ जाके तू बैली को घुसा रहा। सर छुट्टी नहीं देंगे तो क्या करेंगे? बच्चे वाईफाई का फायदा उठा रहे थे यार, क्या करते हैं? एक काम करते हैं मामू, छुट्टी दोगे गाना लगाते हैं, अपन सब डांस करेंगे। मना मन मा बस नहीं है सोनी, तू तो लाख कॉलेज मा बोल तू भी आई लव यू। मना मन मा बस नहीं है सोनी, तू तो लाख कॉलेज मा बोल तू भी आई लव यू। Shut up! बंद करो ये सब। अरे बैल, तुम्हारा जब लोकेशन देखा ना मैंने, मैं जब ही समझ गया था तुम सब एक जगह जमा होके मस्ती कर रहे होंगे। ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे तो कौन जवाब देगा? और तुमने नेट बंद करा ना, हम तो हमारी पढ़ाई कर रहे थे। अबे ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब ये होता क्या? एक जगह जमा होके नाच गाना कर रहे, इससे अच्छा तो स्कूल चालू कर लेते। अरे ओ सर, यहाँ पे वाईफाई लगे लेना, इससे हम सब यहाँ पे जमा होकर पढ़ाई कर रहे थे। और हम साथ में पढ़ाई कर रहे क्या, अलग अलग पढ़ाई कर रहे? पढ़ाई तो कर रहे थे ना। वाईफाई के मुँह के मैं तुमको बोल दे रहा, अपने अपने घर जाओ और मुझे कनेक्ट करके पढ़ाई करो, और नहीं तो तुम सोच लो मैं क्या करूँगा। ओ सर धमके मत दो, तुम अकेले आए ले और हम सब इतने ढेर है। मेरे को मालूम था बेटा कि मैं तुमको अकेला और नहीं पाऊंगा, इससे मैंने तुम सबके बाप लोग को साथ में लेकर आया। अरे इनके बाप लोग इतने रिकामे हैं क्या, तुम्हारे बुलाने पे आ जाइए। पीछे देखो पीछे। पीछे छोटू की ऑनलाइन क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल छोटू की मस्ती को शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ हमने आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, तो बच्चों से मेरी गुजारिश है जब तक के स्कूल बंद है तो ऑनलाइन पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि जिंदगी में एजुकेशन बहुत जरूरी है और इसीलिए अपना कीमती वक्त तो बर्बाद ना करते हुए ऑनलाइन पढ़ाई पे ध्यान दें और अपना फ्यूचर संवारें। बाय बाय बाय।